करेक्टरिस्टिक्स टर्म रियल इमेज, मीन बाय द टर्म वर्चुअल इमेज, रियल और वर्चुअल में फिर फर्क क्या है वो सारा करके देन वी विल बी कमिंग टू द मिरर। सो आइए देखें बेटा, इमेज जो है ये किस तरीके से बनेगा, कौन कौन सी टाइप का इमेज होगा और कैसे हम बेटा इमेज स्पेशली इन द केस ऑफ द प्लेन मिरर एंड देन बेटा इन द केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स बना सकते हैं, आइए देखिए बेटा। इमेज को बेसिकली बेटे आप दो टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट आपके पास बेटे जो है दिस इज बेटा रियल इमेज, रियल इमेज। सेकंड डियर चिल्ड्रन आपके पास है वर्चुअल इमेज। आप लोगों को जैसे बताया था कि रिफ्लेक्शन में जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है बेटा वो बाउंस बैक कर जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन पॉलिश्ड सरफेस बेटे। अगर बेटे रिफ्लेक्ट होने के बाद दो या दो से ज्यादा रेज एक्चुअल में मीट कर रही हो देन वहां पे आपका रियल इमेज बन जाएगा, और अगर वो एक्चुअल में मीट ना करें, दे जस्ट अपीयर टू मीट, फिर हमारा रियल इमेज नहीं बनेगा, फिर वर्चुअल बनेगा। मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा दोनों तरीके से कि रियल कैसे बनेगा वर्चुअल कैसे बनेगा। सो रियल इमेज जो है इट इज बेटे फॉर्म व्हेन द रेज ऑफ लाइट बेटे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा। किसी जगह पे रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेज ऑफ लाइट हैं वो एक्चुअल में मीट कर गई और आपका वहां पे बेटे रियल इमेज जो है वो बन जाएगा डेफिनेटली। और जब रियल इमेज बनेगा बेटा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज जो है इट इज बेटे इन्वर्टेड। और डियर चिल्ड्रन जो रियल इमेज बनेगा इसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बेटे थिएटर में कई बार वो मूवी देखने जाया करते थे, अब तो नहीं गए होंगे आई होप, तो उस टाइम पे जो भी स्क्रीन पे आप डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को परफॉर्म करते देखते हो वो सारे रियल इमेजेस हैं, बिकॉज उनको आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर लेते हो। सो दीज जो रियल इमेजेस हैं बेटा, दीज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बेटे। और बेटे इससे भी बड़ी बात ये है कि जो रियल इमेज है इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। जिस मिरर की जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपका जो है रियल इमेज बन जाएगा। इट इज ऑन द सेम साइड आप कह सकते हो। अगर बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज बेटे जो है ये तब बनता है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट। दूसरी बात, आपका ये इन्वर्टेड नहीं बनेगा बेटा वर्चुअल इमेज, इट विल बी इरेक्ट। ये सीधा ही होगा बेटा, इट विल बी इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब बेटे क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मान लो चौक का पीस, ये इसको मैं अगर उल्टा कर दूं दिस इज इन्वर्टेड। तो इरेक्ट का मतलब होता है जैसे ये है सीधा ही है, राइट। देन इट cannot be obtained on the screen. It cannot be obtained on the screen. And बेटा इससे भी बड़ी जरूरी बात ये है, it is on the other side of the object. आप लोग morning time dressing table में बेटे जब अपना dress sense check करते हैं school आने से पहले, आपने कभी नोटिस किया होगा कि मिरर में आपको इमेज आपका मिरर के अंदर की तरफ दिखाई देता है, दैट इज ऑन द अदर साइड।
राइट बेटे. सो ये सेम साइड पे नहीं होता, इट इज ऑन द अदर साइड बेटा. तो अब हमारा टाइम है बेटे इनको असल में बना के देखने का कि अगर हम इनको ड्रॉ करें रे डायग्राम की हेल्प के साथ तो ये लगते कैसे हैं, रियल इमेज कैसा लगेगा, वर्चुअल कैसा लगेगा, या ये कह लीजिए कि हम इनको बना कैसे पाएंगे इमेजेस को. सो इनको बनाने के लिए आई विल बी बिगनिंग विद द वर्चुअल इमेज फर्स्ट बिकॉज इट इज डायरेक्टली इन द केस ऑफ योर प्लेन मिरर. बेटा प्लेन मिरर का केस हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया भी था. तो आइए वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन की बात करके देखें. प्लेन मिरर के केस में प्लेन मिरर कैसा है और प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा. इमेज फॉर्मड इन द प्लेन मिरर के रिगार्डिंग बेटे, जिसमें बिल्कुल 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 वर्चुअल बेटे, लेट अस टॉक अबाउट दैट. इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर बेटे, प्लेन मिरर में कैसे इमेज हम बना पाएंगे, आइए कंसंट्रेट करें. मैं मान लो बेटे वर्टिकली मैंने ये मिरर इमेजिन किया है, ये मिरर है आपका और ये मिरर का बेटे पेंटेड साइड जिसपे आपने एक तरफ डार्क पेंट कर रखा होता है, लेट इट बी द पेंटेड साइड. इसको आप लिख भी सकते हो, वैसे भी डायग्राम में वो ज्यादा ओवरराइटिंग हो जाती है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं. ये पेंटेड साइड है, ये वाला फ्रंट वाला पॉलिश साइड है आपके मिरर का. पॉलिशिंग किसके साथ हमने किया है, सिल्वर के साथ. आपका जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है उसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश की होती है उसकी सरफेस को स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए. अदरवाइज अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपको अपना हल्का सा ये देखिए इमेज दिख रहा है मेरे हैंड का भी, तो लेकिन ये सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ ना होने की वजह से क्लियर नहीं है. आप अपनी कॉपी पे अपने न्यूज़पेपर में इमेज देखने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पर सरफेस एब्सोल्युटली रफ सरफेस है, स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं है, टोटली मिसिंग है. इस केस में इमेजिन कर लीजिए यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है बेटा. ऑब्जेक्ट को मैंने वो बोल दिया, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट से आपका एक रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ चला गया और ये यहां पे जाके स्ट्राइक कर गया. अगर मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊंगा बेटा तो नॉर्मल तो फिर ऐसे ही बन जाएगी, इसके लॉन्ग ही बन जाएगा, दिस विल बी द नॉर्मल ओनली बेटा. और इस केस में डियर चिल्ड्रन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, जीरो. और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, दैट विल आल्सो बी जीरो. इसका मीनिंग है कि रे आपका ऐसे ही वापस आ जाएगा. अगर आप अपने सामने बिल्कुल मिरर रख लो, एक टॉर्च लाइट को इंसिडेंट करो तो लाइट ऐसे ही वापस आ जाती है, इट इज एग्जैक्टली द सेम केस. लेकिन आप जब वापस आ रही लाइट की रे को या बीम को देखते हो आपको लगता है ये इधर से आ रही है, कहीं से पीछे से आ रही है. सो ये डायरेक्शन जो है डॉटेड लाइन जो मैंने बनाया है, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे आपको लगेगा कि ये रे कहीं इधर से आ रही है, राइट बेटा. एक और रे मैं कंसिडर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. यहां से एक रे आपका ये चला गया जी इधर, राइट बेटा. अब मेरा इस रे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया बेटा. इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो नॉर्मल आपका डियर चिल्ड्रन ये बन गया जी, सारे स्टूडेंट चेक करेंगे. और ये एंगल को आप क्या बोला करते हो बेटा, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्शन के बराबर. तो आपका रिफ्लेक्टेड रे भी इधर चला गया, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल आपका एंगल आर हो गया. जब आप इसको यहां से देखोगे आपको लगेगा कि ये रे बेटा यहां से आ रहा है, इस प्लेस से आ रहा है ये. अब जरा ये पॉइंट पे फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, आपको लगेगा कि ये दोनों रेज जो हैं यहाँ पे मिल रही है, असल में तो नहीं मिल रही, दे जस्ट अपीयर टू मीट बट दे डू नॉट एक्चुअली मीट. अगर वो अपीयर हो रही है कि यहाँ पे मिल रही है तो कौन सा इमेज बनेगा बच्चों, वर्चुअल. आप लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली हुई है
it is a virtual image that we will be getting formed at this point. और बेटा इमेज के लिए मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, राइट बेटा? हाँ, सेम सेम, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट. लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी, राइट. और ये राइट एंगल बन गया आपका, 90 डिग्री का एंगल है, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था. दिस इज आल्सो राइट एंगल. और अगर आप बेटे देखो ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए आई बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल 90 का, इधर ये 90 का है ना बेटा, और ये ए बी साइड दोनों में कॉमन है, कॉमन ही है दोनों में. जितना ये एंगल है उतना ये एंगल भी होगा. क्या बोलते हो आप इन एंगल्स को? दो पैरेलल लाइंस, इनको कट करती हुई लाइन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हो कि कुछ और बोलते हो? यही बोलते हो ना. और जितना ये एंगल उतना ये एंगल, इनको क्या बोलते हो आप? अल्टरनेटिंग एंगल्स. वेरी नाइस, आपको याद है सारा. अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके ये दोनों एंगल्स 90 के प्रूव हो गए, और आपका आई और आर ऑलरेडी बराबर ही है, तीसरा साइड भी सेम हो गया. तो आप कह सकते हो कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, दीज आर यस, अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो ओ ए जितना है उतना ही ए आई होगा. ओ ए विल बी इक्वल टू ए इनटू आई. बेटे ओ ए क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. जितना दूर आप मिरर से होंगे उतना ही दूर मिरर से इमेज जो है बनेगा बेटा. ये इमेज का डिस्टेंस है मिरर से बेटा. सो दिस इज बेटे ऑलवेज टू बी केप्ट इन माइंड दैट कि ये आपका जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस आपने उतना ही मेंटेन करके रख लेना है. सो प्लेन मिरर के केस में आपका वर्चुअल इमेज बनता है. अब देखिए ऑन द अदर साइड बन गया, ये भी बात जस्टिफाई हो गई. और तीसरी बात, डिस्टेंसेस बराबर हो गए बेटा. और चौथी बात, जैसा ये है वैसा ये है, मतलब इरेक्ट का इरेक्ट ही है, उल्टा नहीं बना. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर बेटे. अब बेटे इस कंसेप्ट के बाद आई विल बी फोकसिंग अपॉन द केस ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस. आइए बच्चों स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस की बात करके देखें. अमन, सॉरी अरमान, 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 रोल नंबर 4, 10th A क्लास. यस सर. इज इट ऑल वेल? यस सर. सारा साथ साथ काम कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी सर, कर रहे हैं. कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई बात, कोई कहनी हो आपने बतानी हो? नहीं सर. चलिए कीप ऑन वर्किंग, गुड, नाइस. इसके बाद बेटे हमारे पास है स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेसेस बेटा. हम स्पेशली बेटे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की बात कर रहे हैं. ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो हैं, ये कौन कौन सी सरफेसेस हैं, कैसे हम बेटे इनके साथ डील कर सकते हैं बेटा? प्लेन सरफेस यू हैव कंप्लीटेड, प्लेन मिरर यू हैव कंप्लीटेड. आपके पास बेटे मेन कंकेव एंड सेकेंडली कन्वेक्स. बहुत अच्छे बेटे, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है लग रहा है. ये दो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ सर्फेसिस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. इसमें समझने वाला पार्ट ज्यादा, लिखने वाला कम. सो समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लिखिएगा भी साथ में. ये नहीं मैं कहता कि लिखो नहीं आप. तो ये मुझे थोड़ा बेटे बोर्ड का ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, मैं ये रब कर रहा हूँ सर, राइट. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस और कंसंट्रेट एट द कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कंकेव मिरर रादर. आप लोग खाना खाते टाइम आपने जरूर देखा होगा स्पून का इनर साइड दैट इज कंकेव, स्पून का आउटर साइड दैट इज कन्वेक्स. इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखना है आपने.
स्पून का अंदर वाला सरफेस बेटा कंकेव और बाहर वाला कन्वेक्स। जब भी आप कंकेव और कन्वेक्स में कोई भी आपको कंफ्यूजन लगे तो इस चीज को माइंड में ले आइए, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली इरेडिकेटेड। सो आओ बच्चों देखें, आपके पास ये बेटा कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनती हुई, और ये देखो बीच में, हाँ जी नहीं बना देंगे ऐसी बात नहीं है, दिस इज नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, दिस इज द पेंटेड सरफेस। ये स्पून का अंदर वाला सरफेस हो गया राइट, और बेटे कंकेव मिरर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और अगर मैं ऐसे कर लूं थोड़ा सा आप समझ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वैसे जरूरत कोई नहीं है राइट बेटा। ये देखने को थोड़ा सा उधर नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा फेंट है, ज्यादा डार्क बना भी नहीं सकता मैं, बिकॉज फिर आपका ओरिजिनल डायग्राम जो है दैट विल गेट डिस्टर्ब्ड समथिंग लाइक दिस। आपको ये एक मिरर देखने को लग रहा होगा बेटा, आइए कंसंट्रेट करें इस पे, लेट इट बी द मिडल पार्ट रादर द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फेरिकल सरफेस। आप एक फुटबॉल इमेजिन कर सकते हो, फुटबॉल के बिल्कुल अंदर सेंटर वाला पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और आप इस सेंटर को, ये वाला जितना भी आपका हिस्सा है इस कंकेव स्फेरिकल सरफेस का, इसके सेंटर से, सेंटर के पॉइंट को आप पोल बोल देते हो बेटा। ये मान लीजिए आपका स्पून का इनर साइड है, इसका बिल्कुल सेंटर पे जो पॉइंट होगा दैट वी विल बी कॉलिंग एज द पोल। इसको आपने पोल को बेटा पी से डिनोट किया, और आपने फर्दर मोर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आप इसको बेटे एक्सटेंड कर देते हो लाइन को, दिस इज द एक्सटेंशन मेड इन दिस लाइन एज सच बेटा राइट बेटा। और ये जो सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड बेटे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस। इसका मिडल वाला पॉइंट जो है ये वाला, इसको बोल देते हो आप फोकस, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस जो है इसको हम फोकल लेंथ बोल देते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, मैं पहले इनको लिख दूं फिर आपको समझाता हूं वन बाय वन। सबसे पहला है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम बेटा सी लिखेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है पोल, पोल को हम बेटे पी लिख देंगे, एंड इसके बाद थर्ड आपके पास आ जाता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ आपके पास आ जाएगा बेटा फोकस, फिफ्थ आपके पास आ जाएगा फोकल लेंथ, सिक्स्थ आपके पास आ जाएगा अपर्चर, आइए इनके बारे में बेटे वन बाय वन बात करके देखें। इनको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो वैसे तो आप डेफिनेशन पूछ नहीं पाएंगे, तो इनको बेटे वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है,
एंड कैसे हम बेटा इनको डील कर सकते। सो बेटे आइए देख बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, सी की बात करें, बेटे सी को डिफाइन करने के लिए मुझे ये पूरे का पूरा सी ड्रॉ करना पड़ा है, अदरवाइज मैंने ड्रॉ नहीं करना था। जरा समझिएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है बेटा, पहले समझ लो, मैं लिखवा दूंगा। इट इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट। फिर से ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट। समझ आ गई ना बात बेटा? हमने देखो ये एक पार्ट ही है स्फीयर का, हमने स्फीयर को अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया। अब हमने फिर क्या कहा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इट इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट, राइट बेटा। और दूसरी बात, पोल, इट इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस और द स्फेरिकल मिरर। तीसरी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल। पोल से मेजर करते हैं हम सारे डिस्टेंसेस, या आप सिंपली ऐसे कह लो, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। हाँ, नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट तो नहीं हमने अभी लिया नहीं है, ऑब्जेक्ट तो हमने अभी चूज ही नहीं किया। या तो आप ऐसे कह लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, या आप सिंपली ऐसे कह लो, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट, जैसे पहले बोला था। और चौथी बात, फोकस बेटा, फोकस आपका बेटे, इट इज द मिडल पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। एक चीज हमारी रह गई है बेटा, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस बेटे, ये भी पहले समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस बेटे, राइट। और इसके बाद अपर्चर आ जाता है। अपर्चर का मतलब मीनिंग होता है बेटी, आप अगर स्पून कंसिडर कर रहे थे, स्पून का अंदर वाला सरफेस एरिया सारे का सारा जिससे रिफ्लेक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। आउटर ले लो, अगर आप कन्वेक्स सरफेस लेना चाहते हो, कंकेव लेना चाहते हो, तो आप इनर ले सकते हो। तो पूरे का पूरा सरफेस एरिया फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट वी कॉल एज द अपर्चर बेटी। तो अब आइए इनको वन बाई वन थोड़ा थोड़ा ब्रीफली लिख लेना चाहिए, because that will be a lot of help in the end beta. So center of curvature C, ye likh raha hu main beta, center of curvature is defined as the center of the sphere of which the mirror is ए पार्ट। क्लियर हो गया बेटे? डियर चिल्ड्रन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। आप इसको कैपिटल सी से डिनोट करोगे बेटा, और आप कोई भी लेटर इसमें नहीं यूज कर सकते। पोल, आपका जो पोल है बेटा, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। जितना भी आपने कंकेव सरफेस लिया हुआ है, पोल जो है, it is the center of the spherical concave spherical surface, भी आप कह सकते हो spherical surface बेटा। समझ आ गई बेटे पोल की भी? पोल को आप P से डिनोट करोगे, जैसे आपको बताया गया था, it is denoted by P। तीसरा है radius of curvature, कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटे जो है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, राइट बेटे।
फोकस, फोकस बेटे जो है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर को बेटे आप कैपिटल आर से डिनोट करोगे, कीप दिस थिंग इन माइंड। फोकस जो है मैं टॉप पे लिख देता हूं बेटे, इसको रब कर देता हूं। फोकस जो है इट इज फोकस, इट इज द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। इसको बेटे आप कैपिटल एफ से डिनोट करोगे, राइट बेटा। फोकल लेंथ आप बेटे पोल से स्टार्ट कर लीजिए, डिस्टेंस को मेजर करना, फोकस तक मेजर कर लीजिए, ये लेंथ फोकल लेंथ कहलाती है बेटा। डिस्टेंस ऑफ द फोकस एज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, दिस इज कॉल्ड बेटे फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द फोकस एज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, राइट बेटा। इसको आप स्मॉल एफ से डिनोट करोगे। देन इसके बाद आपके पास आ जाता है बेटे, कोई रह तो नहीं गया, लास्ट ही है ना, अपर्चर रह गया बेटे, अपर्चर। अपर्चर बेटे बेसिकली होता है इफेक्टिव सरफेस एरिया फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अपर्चर जो है, अपर्चर इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव सरफेस एरिया फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बेटा, राइट बेटे। जैसे मैंने आपको बताया था स्पून का अंदर वाला साइड कंसीडर कर लीजिए, जितने हिस्से से रिफ्लेक्शन हो रही है वो पूरे का पूरा इफेक्टिव एरिया जो है दैट इज कॉल्ड यूअर अपर्चर, राइट। हाँ जी बेटे, रिफ्लेक्शन जितना भी हिस्सा है उसके अंदर वाला जिससे रिफ्लेक्शन हो रही है दैट इज कॉल्ड यूअर अपर्चर बेटा। दिस इज बेटे क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक्सिस बेटा। अपर्चर को कैपिटल ए से आप डिनोट कर सकते हो, डोनेट नहीं डिनोट, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो डोनेट भी करना चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है, राइट बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें अब अगर हम, तो ये ऐसी चीजें हम बेटे ऑनलाइन में मिस करते हैं ना, यस। सो आइए देखें, इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। आपने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन किया एक लाइन से, फिर उस लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस बेटा। सो प्रिंसिपल एक्सिस बेटे जो है इट इज द लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स बेटे। सो दिस इज कॉल्ड यूर बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम से एक बार फिर से देख लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हो आप, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ये दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, राइट। सारे स्टूडेंट्स को बेटे सारे ये जो छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं समझ आ गए हैं, एनी डाउट सो फार इधर ऑनलाइन में? अरमान रोल नंबर 4, हां जी सर, हैं
अरमान इसका नाम सर अरमान ही है ये आपके आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं अरमान नहीं इसका नाम। हाँ सर गर्मी के कारण पगला गए होंगे। ओके ओके वैसे ही कह रहे होंगे। सो इज इट ऑल क्लियर टू ऑल बेटा? सो बेटे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। इसको ध्यान से पढ़िएगा। अभी जाना नहीं है, अभी अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी जाना नहीं आपने।